पटना जिले के बख्तियारपुर में अपराधियों द्वारा स्थानीय विधायक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बख्तियारपुर में भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया से अपराधियों ने रंगदारी मांगी। विधायक ने बताया कि कई दिनों से अपराधियों द्वारा विधायक फंड के तहत काम मांगा जा रहा था। नंबर हमको भी एक दिन मिला था 15 दिन पहले, बोला कि विधायक का फंड दो। हम कहा कि विधायक का फंड जो है काम होता है, टेंडर होता है, डालो। बोला कि साल में 5 लाख रुपया देवे पड़ते। उस पर मेरा गार्ड भी उस समय बोला था, तो उसको कहा कि बिहार पुलिस का कितना दम होता, तुम लोग कभी छीन लेंगे। आज गणतंत्र दिवस के दिन 3 बाइक पर सवार आए अपराधियों ने फिर MLA फंड में हिस्सेदारी मांगी। विधायक ने फंड में हिस्सा देने से इनकार किया तो अपराधियों ने पिस्तौल निकालकर विधायक पर तान दिया और कहा MLA फंड से काम नहीं दे सकते हो तो 5 लाख सालाना देना पड़ेगा। विधायक पर पिस्तौल तना देख उनके साथ हरकत में आए गार्ड ने पोजीशन लिया, तब जाकर अपराधी भाग निकले। भागते भागते अपराधियों ने एक राउंड फायरिंग भी की। मामला जो है स्पष्ट है, इसको रंगबाजी चाहिए और इसमें हमको जहां तक समझ में है कि राजनीतिक साजिश है हत्या कराने का, और यह जो है एक तरह के हम पर रंगबाजी चाहता है और राजनीतिक हमको समझ में हत्या जब न तब सब लोगों से बोलता है कि इसको उपचुनाव कराएंगे, इसको हत्या करेंगे। इसका हमको लग रहा है कि इसमें राजनीतिक साजिश है रंगबाजी के लेकर। आज हद तब हुआ जब 5 को बाइक लेकर मेरे होटल पर, मैं झंडा आंदोलन के बाद होटल पर गया था तो वहाँ पे 5 को बाइक से होटल पर पहुँच गया और जब हम इन्होंने किया तो फायरिंग किया और मेरा जब गार्ड हुआ तो धमकी देते हुए। फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि विधायक जी के बयान पर बख्तियारपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। लाइव सिटीज के लिए मोकामा से कुमार कृष्णा की रिपोर्ट।